अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अभी कुछ देर पहले मैंने लजना से खिताब किया था और उन्हें बात बातों की तरफ तवज्जो दिलाई थी। ये बातें सिर्फ औरतों के लिए नहीं हैं बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जहाँ इन बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है वहाँ मर्दों और औरतों दोनों को मुखातब करके ये नेकियाँ अपनाने और उनकी तरफ तवज्जो करने का कहा है। हाँ, मैंने बाद मिसालें औरतों को सामने रखते हुए दी हैं उनके माहौल के मुताबिक, लेकिन अक्सर मिसालें दोनों मर्दों और औरतों पर लागू होती हैं। बस सच्चाई की आला मयार या इबादतों की तरफ तवज्जो है तो मर्दों को भी यही मयार कायम करने की ज़रूरत है ताकि जहाँ अपनी दुनिया व आकबत संवारने वाले बने वहाँ अपनी औलाद की तरबियत के लिए भी नमूना बनकर उनकी दुनिया व आकबत संवारने का भी ज़रिया बने। बाज़ लोगों की आदत होती है कि नसाए का मुखातिब अपने आप को नहीं समझते और दूसरे के बारे में समझकर फिर कह देते हैं कि देखा खलीफा वक्त ने फलां जमात को या जमात के फलां तबके को किस तरह सख्ती से कहा है। वो लोग फिर ये भी कह देते हैं आगे से कि ये लोग तो हैं ही ऐसे, इनकी इस्लाह होनी चाहिए थी, अपने गरेबान में ये लोग नहीं जानते। हालांकि चाहिए तो ये कि हर एक अपने आप को मुखातिब समझे और अपने गरेबान में झांक के देखे, अपने आप को देखे कि मैं कैसा हूँ। और ये देखना चाहिए कि जो बातें दूसरों को कही जा रही हैं कि या किसी भी तबके को खलीफा वक्त मुखातब है तो वो इस्लामी तालीम के मुताबिक बाज़ उमूर की तरफ तो जो दिला रहा है और हम अपना जायज़ा लें कि क्या हम उस मयार पर पूरा उतर रहे हैं जो मुख्तलिफ नेकियों के कायम करने और उन्हें अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने के मयार हैं। बस अगर ये बात समझ आ जाए कि खलीफा वक्त किसी भी मुल्क के अहमदियों को बाज़ उमूर की तरफ तवज्जो दिला रहा है या जमात के किसी भी तबके को मुख्तलिफ नेकी की बातों की तरफ तवज्जो दिला रहा है तो हम भी बहसियत अहमदी अपना जायज़ा लें कि क्या हम में ये नेकियाँ मौजूद हैं जिनकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है या हम में ये कमज़ोरियाँ तो नहीं जिनके छोड़ने की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। बस अब जबकि टीवी के ज़रिए तमाम दुनिया राबतों के लिहाज से एक हो गई है, हर अहमदी हर बात का जो खलीफा वक्त की तरफ से जमात की बेहतरी के लिए कही जा रही है मुखातब समझे और उस पर अमल करने की कोशिश करे तो एक इनकलाब है जो हम अपनी हालतों में ला सकते हैं। बस पहली बात तो यह है कि जो बातें मैंने लजना में की हैं इनका अनसार अपने आप को भी मुखातब समझें।
और जब मर्द और औरत एक होकर नेकियों को इख्तियार करने और बदियों को तर्क करने के लिए कोशिश करेंगे तो फिर एक इनकलाब होगा जो हम अपने घरों में भी ला सकेंगे, अपनी हालतों में भी ला सकेंगे, अपने बच्चों में भी ला सकेंगे और अपने माशरे में भी ला सकेंगे। बस अंसारुल्लाह की उम्र को पहुँचे हुए मर्द जो अपनी सोच की बलूगत को भी अपनी उम्र के लिहाज से पहुँच चुके हैं, उन्हें ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर नेकी की बात जमात के किसी भी तबके को मुखातिब करके की जा रही है, इसे हमने ना सिर्फ अपने पर लागू करना है बल्कि दूसरों के सामने नमूना बनकर हकीकी इस्लामी मुआशरा कायम करना है। इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो दुनिया की इस्लाह के लिए और इस्लाम की हकीकी तालीम के फैलाने के लिए आए थे, जिनको हमने माना कि इसलिए कि अपनी भी इस्लाह करें और दुनिया को भी इस्लाम की खूबसूरत तालीम से आगाह करें, तो फिर इसके लिए हर नेकी को इख्तियार करने और हर बदी को बेजार होकर तर्क करने की हमें ख़ास कोशिश करनी होगी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जमात को जो मुख्तलिफ मौक़े पर नसीहत फरमाई, इसके हवाले से भी चंद बातें आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि अंसारुल्लाह की उम्र के लोग अपनी अकल और तजर्बे के लिहाज से इंतहा को पहुँचे हुए होते हैं, बस ये बात इनसे ये भी तकाजा करती है कि वो अपनी दीनी, रूहानी और अखलाकी हालतों के भी आला नमूने दिखाएं, अपने जायज़े लें कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को मानकर हमने अपने अंदर क्या तब्दीली पैदा की है और दूसरों को इससे क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। एक मौके पर हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी जमात को अल्लाह ताला एक नमूना बनाना चाहता है। बस जमात का अक्लो हिकमत और तजर्बे के लिहाज से जो बेहतर हिस्सा कहला सकता है, जैसा कि मैंने कहा, वो लोग हैं जो आप अंसार की उम्र के हैं। बस इबादतों के मयार के लिहाज से भी और आला अखलाक और दूसरी नेकियों के लिहाज से भी अंसारुल्लाह ही वो तंजीम होनी चाहिए जो नमूने कायम करने वाली हो, और ये उस वक्त हो सकता है जब इंसान के दिल में तकवा हो, तभी इंसान का अल्लाह ताला से तल्लुक पैदा होता है, तभी इंसान के इबादतों के और आला अखलाक के मयार कायम होते हैं, तभी हकीकी अंसार तभी एक इंसान हकीकी अंसार में शुमार हो सकता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस वजह से अपने मानने वालों को बेशुमार जगह बड़े दर्द के साथ तकवा पर चलने के बारे में बार बार नसीहत फरमाते रहे, क्योंकि तकवा एक बुनियादी चीज़ है। चुनांचे एक जगह आप फरमाते हैं, बजुस तकवा के और किसी बात से अल्लाह ताला राज़ी नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाहा मअल्लज़ीन तक़ौ वल्लज़ीन हुम मुहसिनून, यकीनन अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तकवा इख्तियार करते हैं और जो एहसान करने वाले हैं। बस हर एक हम में से जायज़ा ले कि किस हद तक हम में तकवा है।
और हमारे एहसान करने के क्या मयार हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहसिनून में शुमार होते हैं वो लोग। एहसान करने के क्या मयार हैं, तभी हम हकीकी अंसार कहला सकते हैं। बस जब हम ये नारा लगाते हैं कि हम अंसारुल्लाह हैं, अल्लाह ताला के मददगार हैं, उसके दीन के मददगार हैं, तो फिर ये खसूसियत भी पैदा करनी होगी कि तकवा भी हो और मोहसिन भी हम हों। अल्लाह ताला को हमारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं, वो सब ताकतों का मालिक है। ये उसका एहसान है कि उसने एक निज़ाम कायम फरमाया और ये निज़ाम बनाकर फरमाया कि तुम इस निज़ाम का हिस्सा बन जाओ और मेरे दीन के मददगार बन जाओ, तो मैं तुम्हें इस तरह समझूंगा जिस तुम अल्लाह ताला के दीन के मददगार हो। लेकिन ये याद रहे कि मैं यानी अल्लाह ताला सिर्फ उन्हें दीन के मददगार समझूंगा जो अल्लाह को, जो तकवा को इख्तियार करने वाले हैं और एहसान करने वाले हैं। तकवा क्या है? यही कि अल्लाह ताला की मोहब्बत, उसका खौफ, उसकी खशियत दिल में हो और हर काम करने से पहले ये सोच ले कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। और इसी तरह मोहसिन वो हैं जो नेक बातों का इल्म रखने वाले और नेकियां करने वाले हैं। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें उस वक्त अपना मददगार समझूंगा जब तुम्हें तकवा होगा और तुम्हारा हर अमल और ख्याल नेकियों पर मुंतज हो, और फिर मैं तुम्हारे कामों में बरकत डालूँगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम दीन की खिदमत के लिए जो काम भी करोगे उसमें कामयाबी भी अता करूँगा। अगर अल्लाह ताला का फजल ना हो तो इंसान की हैसियत ही क्या है कि ये दावा करे कि मैं अंसारुल्लाह हूँ, अल्लाह ताला का मददगार हूँ। हम तो अल्लाह ताला के फजल के बगैर एक के बाद दूसरा सांस भी नहीं ले सकते। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला के दीन का मददगार कबूल करता हूँ और मेरी मदद तुम्हारे साथ होगी बशर्ते के तुम तकवा पर चलो और नेकियां बजा लाने वाले हो। फिर हमारे कामों के जो हम अल्लाह ताला की खातिर करते हैं ऐसे भरपूर नतायज निकलेंगे कि नज़र आएगा कि वाकई ये लोग अंसारुल्लाह हैं और इस वजह से अल्लाह ताला भी इनके कामों में बे इंतहा बरकत अता फरमाता है। बस ये सोच है जो हम में से हर नासिर की होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारी बैत का मकसद ही कोई नहीं रहता। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम ने एक मौके पर ये नसीहत फरमाई कि हमारी जमात के लिए ख़ास कर तकवा की ज़रूरत है, खुसूसन इस ख्याल से भी कि वो एक ऐसे शख्स से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके सिलसिले बैत में शामिल हैं जिसका दावा मामूरियत का है, ता वो लोग जो खा किसी किस्म के बुग़ों, कीनों या शिरकों में मुबतला थे या कैसे ही रूबा दुनिया थे, उन तमाम आफात से निजात पावें। बस अगर हमारा नारा नहनु अंसारुल्लाह का है तो अपने नफ्स को पहले पाक साफ़ करना होगा ताकि फिर उस मसीह मौत के मददगार बनकर दुनिया को बुराइयों और शिर्क से पाक करें और खुदाए वाहिद के नूर से दिलों को मुनव्वर करें जिसको अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए मबूस फरमाया है। लेकिन अगर हमारे अपने ही दिल
दुनिया की गंदगियों और गलासतों और लालचों में पड़े हुए हैं, तो फिर हम दुनिया की किस तरह इस्लाह कर सकते हैं। बस असल काम अब मामूर ज़माना के साथ जुड़कर अंसारुल्लाह का यह है कि दुनिया को खुदाए वाहिद के आगे झुकाना और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले लाना। बस इसके लिए ख़ुद हमें अपने अंदर झांकना होगा। किस किस्म के अंसारुल्लाह हम हैं, अपने अंदरूनी जायज़े लेने की तरफ तवज्जो दिलाते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी जमात समझ ले कि वो मेरे पास आए हैं इसलिए कि तुख्म रेज़ी की जाए जिससे वो फलदार दरख्त हो जाए। बस हर एक अपने अंदर गौर करे कि उसका अंदरूना कैसा है और उसकी बातनी हालत कैसी है। फरमाया, अगर हमारी जमात भी खुदा ना खास्ता ऐसी है कि उसकी ज़ुबान पर कुछ है और दिल में कुछ है, तो फिर ख़ात्मा बिलखैर ना होगा। इस उम्र को पहुँच के ख़ात्मा बिलखैर की भी फिक्र होती है। फरमाया, अगर ज़ुबान पर कुछ है और दिल में कुछ है तो ख़ात्मा बिलखैर ना होगा। अल्लाह ताला जब देखता है, फरमाया कि अल्लाह ताला जब देखता है कि एक जमात जो दिल से खाली है और ज़ुबानी दावे करती है गनी है, वो गनी है, वो परवाह नहीं करता। बस हम हकीकी अंसार उस वक्त बन सकते हैं जब उमदा बीज बने, और उमदा बीज बनने के लिए अल्लाह ताला और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर चलना और ज़माने के इमाम और मामूर की कामिल पैरवी और इताअत करना ज़रूरी है। और जब ये होगा तो फिर हम उस बीच के वो फलदार दरख्त होंगे जो दुनिया को नेकियों के फल खिलाने वाले होंगे। हमारे कॉल ऑफ फेल का एक होना जहाँ हमें अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाने वाला होगा, वहाँ हमारी नस्ल की इस्लाह का भी ज़रिया होगा और हमें ये तसल्ली होगी कि हम अपनी नस्लों में भी तकवा और नेकी की जड़ लगा कर जा रहे हैं। वो पैवंद लगा कर जा रहे हैं जिससे अगली नस्ल भी खुदा ताला के साथ जुड़कर वो फलदार दरख्त बनेंगे जिन पर नेकियों के फल लगते हैं। इसी तरह दुनिया को भी खुदा वाहिद की तरफ लाने वाले बनेंगे ताकि मामूर ज़माना के हकीकी अंसार बन सकें। बस इस मज़मून को जितना खोलते जाएं, उतना ही हमें एहसास होता जाएगा कि अंसारुल्लाह की क्या अहमियत है और हमने अपने अहद को किस तरह निभाना है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने इस मज़मून को अपनी तकारीर और मजालस में इस शिद्दत से बयान फरमाया है जिससे वाज़े होता है कि वो अपने मानने वालों के क्या मायार आप अपने मानने वालों के क्या मायार देखना चाहते थे। और यही मायार हैं जो जमाती तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक मौके पर नसीहत करते हुए हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमेशा देखना चाहिए कि हमने तकवा और तहारत में कहाँ तक तरक्की की है। इसका मायार कुरान है, यानी कुरान करीम की जो तालीम है उसको देखो, उसको गौर से पढ़ो, उसको समझो, उसके हुक्मों पर अमल करो, तब पता लगेगा कि नेकी में कहाँ तक तरक्की की है। जब सामने एक लाया अमल हमारे सामने मौजूद है, इसका मायार कुरान है। फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुत्तकी के निशानों में से एक निशान ये भी रखा है कि अल्लाह ताला मुत्तकी को मकरूहात दुनिया से आज़ाद करके ख़ुद उसका मुतकफ़िल हो जाता है। फिर आपने फरमाया
कि इलामत क्या है मुत्तकी की, बहुत सारी इलामतें हैं। फिर एक इलामत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, जैसे कि फरमाया वमन यत्तकिल्लाह वमन यत्तकिल्लाह यजअल्लाहु मखरजं वयर्ज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, यानी और जो अल्लाह से डरे उसके लिए वो नजात के की कोई ना कोई राह बना देता है और वो उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। आप फरमाते हैं जो शख्स खुदा ताला से डरता है अल्लाह ताला हर एक मुसीबत में उसके लिए रास्ता मुखलसी का निकाल देता है और इसके लिए ऐसे रोज़ी के सामान पैदा कर देता है कि उसके इल्म गुमान में भी ना हो। यानी ये भी एक इलामत मुत्तकी की है। मुत्तकी की इलामतों में से एक निशानी आपने इलामत ये भी बताई कि अल्लाह ताला मुत्तकी को नाबकार ज़रूरतों का मोहताज नहीं करता। बस बड़े सोचने की बात है, गौर करने की ज़रूरत है। अमूमन हम देखते हैं कि दुनिया में लोग ऐसी उम्र को पहुँचते हैं, इस बड़ी उम्र को जब पहुँचते हैं, जब उनके बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं, तो उनकी ज़रूरियात की उन्हें ज़्यादा फिक्र शुरू हो जाती है, उनकी तालीम और मुतफर्रिक अखराजात के लिए ज़्यादा सोचते हैं। 40 साल की उम्र ऐसी है जब ये सोचें ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। और फिर बाज़ लोग जो दुनिया में डूबे हुए होते हैं या जिनको खुदा ताला पर तवक्कुल कम होता है, वो इन अखराजात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ हीले और तरीके तलाश करते हैं, चाहे जायज़ हों या नाजायज़ हों, जो बसा अवकात नाजायज़ भी होते हैं। मसलन या हम आम देखते हैं कि अपने अखराजात के लिए, बच्चों के अखराजात के लिए, मकान ख़रीदने के लिए या किसी और दुनियावी ख्वाहिश के पूरा करने के लिए बहुत से लोग अपने टैक्स भी गलत तरीके से बचाते हैं और दूसरी किस्म के धोखे भी देने की भी कोशिश करते हैं। हत्ता के बाद अहमदी भी ये काम करते हैं और फिर दुनियावी मामलात में नहीं बल्कि चंदों की अदायगी में भी अपनी आमद गलत बता देते हैं। हालांकि इसमें इनके लिए वादे कर दिया गया है चंदों के बारे में तो, कि अगर शरह से चंदा नहीं दे सकते तो छूट ले लें, कोई मजबूरी नहीं है ऐसी कि ज़बरदस्ती लिया जाएगा चंदा, और कह दें कि इससे ज़्यादा मैं अपने हालात की वजह से चंदा नहीं दे सकता, लेकिन गलत बयानी ना हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम्हारे अंदर तकवा है तो अल्लाह ताला खुद इंतज़ाम कर देगा या थोड़े में ऐसी बरकत अता फरमा देता है कि गैर महसूस तरीके पर अखराजात पूरे होने के समान होते हैं। और ये सिर्फ मुंह से कहने की बात नहीं है बल्कि बेशुमार अहमदी ऐसे हैं जो मुझे ये लिखते हैं कि हमने अल्लाह ताला पर तवक्कुल किया और अल्लाह ताला ने गैर मुतवक्के तौर पर हमारे लिए ऐसे सामान कर दिए कि हमारे अखराजात पूरे हो गए, हमारी माली ज़रूरत पूरी हो गई। बेशुमार ऐसे वाक़यात जैसे कि मैंने कहा मेरे पास मौजूद हैं। इस वक्त इतना वक्त नहीं है कि मैं वो बयान यहाँ पेश करूँ, वक्तन फ़क्तन बयान करता रहता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत में ख़ुद इसकी मिसाल दी है कि बाज़ लोग समझते हैं कि गलत बयानी किए बगैर काम नहीं चल सकता, इसलिए झूठ बोलने की डिटाई से फिर मजबूरी के झूठ बोलते हैं और फिर डिटाई से मजबूरी का दूसरों के सामने इजहार भी कर देते हैं। हज़रत मसीह मौऊद कि हमने इसलिए झूठ बोला था, बड़ी डिटाई से कह देते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अमर हरगिज़ सच नहीं, ये अमर हरगिज़ सच नहीं, बिल्कुल झूठ। ये किस तरह हो सकता है कि एक तरफ तो अल्लाह ताला मुत्तकी के परेशानी से निकलने के सामान अता फरमाने का वादा करे और दूसरी तरफ बाज़ लोगों को कह दे कि तुम गलत बयानी और झूठ से काम लो और ख़ुद ही इस मुश्किल से निकल जाओ। ये खुदा ताला की शान नहीं, इस खुदा पर हम यकीन रखते हैं, हम ईमान रखते हैं, उसकी तो ये शान नहीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ना समझो कि अल्लाह ताला कमज़ोर है,
वो बड़ा ताकत वाला है। जब उस पर किसी अमर पर भरोसा करोगे तो वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। मुमय्यो तवक्कल अल्लाह फाहुवा हस्बो, मुमय्यो तवक्कल अल्लाह फाहुवा हस्बो। और जो अल्लाह पर तवक्कल करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। बस अल्लाह ताला पर तवक्कल ज़रूरी है, और ये तवक्कल बग़ैर तकवा के पैदा नहीं हो सकता। ये ज़ुबानी जमा खर्च नहीं है कि मुँह से कह दिया कि हम अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हैं, बल्कि तकवा के आला मायारों को हासिल करने की ज़रूरत है, अपनी इबादतों के मायार बुलंद करने की ज़रूरत है, अपने अखलाक आला सतह पर ले जाने की ज़रूरत है, दूसरों के हकूक़ अदा करने की तवज्जो की ज़रूरत है, दीन को दुनिया पर मुकदम करने की ज़रूरत है। बस अगर हम अपनी हालतों में हकीकत में ऐसी तब्दीली पैदा कर लें जब दीन दुनिया पर मुकदम हो जाए, तो यही हकीकी तकवा है। और यही वो मुकाम है जब अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी हो जाता है। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो लोग इन आयात के पहले मुखातिब थे वो अहले दीन थे, वो अहले दीन थे, उनकी सारी फ़िक्रें महज दीनी अमूर के लिए थीं और दुनियावी अमूर हवाला व खुदा थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह ताला मुत्तकी के रास्ते की तमाम दुनियावी रोकें दूर फरमा देता है जो उसके दीन के काम में हारिज हों। बस अगर दुनियावी कामों की परवाह ना करते हुए नमाज़ों की वक्त पर अदायगी हम कर रहे हैं, और इसी तरह दूसरे दुनियावी कामों की परवाह ना करते हुए जमाती कामों और दीन के कामों को तरजीह दे रहे हैं, तो वो सब ताकतों का मालिक खुदा फरमाता है, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी फ़िक्रों को दूर करूँगा। बस इंसान ने खुदा ताला की क्या मदद करनी है? अल्लाह ताला है जो हमें दीन की खिदमत का मौका देता है, हमारी नेकियों के हमें अजर देता है, हमारी ज़रूरियात पूरी फरमाता है, और फिर इन तमाम नवाजशों के बाद हमें अपने दीन के मददगारों में शामिल फरमाता है, ये भी ऐलान फरमा देता है। कितना मेहरबान है हमारा खुदा, किसका दयालु है हमारा खुदा, इसका हम कभी इहादा ही नहीं कर सकते। बस हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के हकीकी शुक्रगुजार बंदे बनते हुए, उसके हुक्मों पर चलते हुए, तकवा की राहों पर कदम मारते हुए अपनी ज़िंदगियां गुजारने वाले बने, और यही हमारे हकीकी अंसार होने की रूह है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लें। आमीन। एक मिनट ज़रा ठहर जाएं लजना।
की हाज़री जो द्वारा लजना ने भेजी है उनकी हाज़री 6830 है और अंसारुल्लाह की हाज़री भी तो आ ही चुके हैं ये भी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।